यूपी सरकार ने मुफ्त राशन बंद करने का ऐलान किया। क्या योगी ने खुद बनाया प्लान? गेहूं, चावल, चना, नमक सब बंद। मुफ्त कल्चर को लेकर आएगा कानून। योगी के फैसले से केजरीवाल की उड़ी नींद। आखिरकार अचानक योगी सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या अब इस योजना को मोदी सरकार भी बंद कर देगी या सिर्फ योगी सरकार ही बंद करने जा रही है? हम आपको सब कुछ बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं सीएम योगी का फैसला क्या है। आदेश की एक कॉपी मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा बल्कि पैसा देकर राशन लेना होगा। लेटर के नीचे जिला आपूर्ति अधिकारी लखनऊ का हस्ताक्षर भी है। तो क्या सच में मुफ्त राशन बंद होने जा रहा है? देखिए और समझिए, इस रिपोर्ट में आपको इसकी सच्चाई भी समझ में आ जाएगी। पहले आदेश का मतलब समझिए, फिर आपको बताते हैं ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब राज्य सरकार सभी अंतर्देय कार्ड धारकों और राशन कार्ड धारकों को 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल देगी। अब उन्हें केजरीवाल की तरह फ्री राशन नहीं मिलेगा। ये आदेश जुलाई महीने के राशन वितरण के बाद लागू होगा। जून महीने का नमक, साबुत चना और रिफाइंड ऑयल जो अभी नहीं बटा है उसे मुफ्त बांटा जाएगा। योगी सरकार के इस आदेश के बाद कुछ लोग कहने लगे हैं कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला फ्री अनाज भी बंद हो जाएगा। तो ये सिर्फ अफवाह है, अभी पीएमओ की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान इसे शुरू किया था और बीते 2.5 साल से ये चल रहा है। कई बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई। करीब 80 करोड़ लोग इस योजना के तहत 5 किलो मुफ्त राशन ले रहे हैं। अभी यूपी चुनाव के बाद सरकार ने इसे सितंबर 2022 के लिए फिर बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 तक लोगों को इसका लाभ मिलता रहेगा। हालांकि इस बात की संभावना कुछ कम लगती है क्योंकि पीएम मोदी खुद मुफ्त कल्चर के खिलाफ हैं। एक महीने में 3 बार पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर बोला। सुप्रीम कोर्ट भी इसके खिलाफ लगता है। रेवड़ी कल्चर के लिए अकेले केजरीवाल नहीं बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और फ्री ट्रांसपोर्ट के साथ साथ फ्री राशन भी खजाने पर बोझ बना हुआ है। मोदी सरकार नया कानून ला सकती है जिससे कोई भी चीज फ्री बांटने पर रोक लग सकती है। हालांकि राशन गरीबों के लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए हो सकता है नए कानून में ये बाहर रहे। अकेले यूपी में 3,59,00,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें अंत्योदय कार्ड वाले 40,92,000 हैं। अंत्योदय कार्ड वालों को 35 किलो अनाज और सामान्य कार्ड धारकों को 5 किलो राशन मिलता है। यानी फ्री की योजना इस बात को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी कि देश में कोई भूखा ना मरे, हर गरीब को अनाज मिल सके। लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि कागजों में गरीबों की संख्या बढ़ गई, लेकिन हकीकत में वो गरीब पक्के मकान में रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सबसे पहले योगी सरकार ने ये आदेश निकाला है कि जिन्होंने गलत तरीके से कार्ड बनवाया वो सरेंडर कर दें, वरना फिर भुगते। उसके बाद ये आदेश निकाला गया कि फ्री राशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कोविड का दौर खत्म हो चुका है, अब लोग कमा कर खा सकते हैं। कोविड में सब कुछ बंद था, इसलिए सरकार लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर रही थी। लेकिन जैसे ही कोविड का दौर खत्म हुआ, सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ने लगा। फ्री राशन पर भी सवाल खड़े होने लगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच सिर्फ इस मामले पर सुनवाई कर रही है कि चुनाव से पहले जनता से फ्री वादा किया जाना चाहिए या फिर नहीं। इससे राज्य या देश के खजाने पर कितना नुकसान होगा? इसके साथ साथ जनता के हित की योजनाएं जो सरकार चलाती है, जिसमें फ्री राशन से लेकर किसानों तक की सब्सिडी शामिल है, उस पर अभी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि सरकार कुछ भी फ्री नहीं देने वाली, तो आप गलत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।